हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे फर्स्ट फ्लोर में पाइपिंग कैसे होता है। स्लैब में पाइपिंग करने से पहले आपको मार्किंग करना पड़ता है, तो मार्किंग ड्राइंग से हम करेंगे। तो ड्राइंग पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे मार्किंग करना है स्लैब में। वो वीडियो अगर आप ना देखें तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में पाइपिंग में बहुत डिफरेंस होता है, तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं ग्राउंड फ्लोर वाला तो वो वीडियो भी आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको आईडी इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट में डालता हूँ और उस पर आप आके मैसेज से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी बात करना हो तो आप आके उस पर बात कर सकते हैं। इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए गल्फ से रिलेटेड आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, इससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा मगर आप ये वीडियो अगर देख लिए तो फर्स्ट फ्लोर में पाइपिंग कैसे होता है वो आप सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब में पाइपिंग कैसे होगा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और ड्राइंग से मार्किंग कैसे होता है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। स्लैब में ड्राइंग से मार्किंग कैसे करते हैं वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस पर मार्किंग कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, ये देख सकते हैं लाइट का पॉइंट है हमारा। इसी तरीके से मार्किंग करना है, यहाँ भी लाइट का एक पॉइंट है, एक तरफ स्विच का जा रहा, लाइट का जा रहा, जो भी है ड्राइंग के हिसाब से हम मार्किंग करते हैं। इधर भी देख सकते हैं एक लाइट दूसरे लाइट से लूप है, इसमें दो सर्किट है इस स्लैब में, देख सकते हैं मार्किंग हो चुका है। इधर सेंटरिंग होने के बाद मार्किंग करते हैं, ये एग्जिट का पॉइंट है, इधर से एग्जिट जाएगा, इमरजेंसी है ये, एक तरफ एग्जिट जा रहा, एग्जिट तो मालूम है डोर के पास एग्जिट होता है, ये देख सकते हैं यहाँ भी इमरजेंसी का है पॉइंट। सेंटरिंग होने के बाद मार्किंग होता है, मार्किंग होने के बाद ही इसमें पाइपिंग होगा और बॉक्स ठोकाएगा। मार्किंग होने के बाद सबसे पहले बॉक्स लगता है, बॉक्स के अंदर थर्माकोल डाल के मास्किंग टेप लगाया होता है, इसके बाद बॉक्स को कील मार के स्टील वायर से इसको बांध देते हैं, ये बॉक्स इधर उधर ना हो। ये देख सकते हैं आपको मैं पहले मार्किंग ही दिखा रहा हूँ, मार्किंग कैसे होता है वो वीडियो आप इसको देखने के बाद देख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं। ड्राइंग से ही मार्किंग होता है, अपने हिसाब से मार्किंग नहीं करना है, ड्राइंग को ही फॉलो करना पड़ता है। ये देख सकते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा मगर आप देख लेंगे तो आप भी सीख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का स्लैब का पाइपिंग वो डाले थे, ये स्लैब और वो स्लैब दोनों में बहुत फ़र्क है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बहुत अंतर है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आपको एंड स्क्रीन में, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये देख सकते हैं पूरा हमारा इधर बॉक्स रेडी करके पहले रख लेते हैं, इसके बाद बॉक्स फिक्स करते हैं। जहाँ पे जो बॉक्स आएगा यहाँ पे स्टेट बॉक्स है, इसको टूबे भी बोल सकते हैं, ये स्टेट है, इस तरह से कील मारना है, कील मारने के बाद ही इसको फिट करना है। कील मारेंगे तभी बॉक्स इधर उधर नहीं होगा, कील तीन मार दिए, कील मारने के बाद इसमें ये देखें स्टील वायर से इस तरह से बांध देंगे, इसी तरीके से स्टील वायर बांधना है। आप वीडियो को पूरा देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप पूरा इस वीडियो में बताया हूँ फर्स्ट फ्लोर में कैसे होता है पाइपिंग, कहाँ पर थर्माकोल लगाना है, कैसे लगाना है। अब वीडियो के लास्ट में आपको एक और दूसरा स्लैब का वीडियो आपको दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एंड में आपको दिखाएंगे थर्माकोल, बीच में थर्माकोल कैसे डालते हैं। इसमें तो साइड में थर्माकोल डाले हैं, उसमें बीच में कैसे डालेंगे, बीच में जब नीचे वाल आएगा तो थर्माकोल से ही पाइप नीचे आ जाएगा, थर्माकोल निकालने के बाद पाइप लगाएंगे, तो एंड में आपको दिखाएंगे, बस वीडियो पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। ये देख सकते हैं ये लाइट के लिए हमारा बॉक्स यहाँ फिट हो चुका है, ये देखिए आपको हर चीज़ दिखाएंगे, पाइप कैसे लगेगा, बॉक्स कैसे लग रहा,
बॉक्स के अंदर थर्माकोल डला है, इसके अंदर कंक्रीट नहीं जाएगा, इसके लिए डालते हैं। डबल लेयर का यहाँ छड़ बिछता है जिसको स्टील भी बोलते हैं। यहाँ एक नीचे स्टील बिछ चुका है, इसके ऊपर एक स्टील और आएगा। ऊपर डबल लेयर होता है, एक सिंगल, एक नीचे एक ऊपर, देख सकते हैं। ये जो स्विच के लिए कॉलम में पाइपिंग हुआ था ना, ये स्विच के लिए जो पॉइंट में नीचे डाला था कॉलम में, वो पाइप ऊपर है। ये पाइप को नीचे से काट के इसमें 90 मार के इसको इसमें ड्रॉप कर देंगे। कॉलम में कैसे होता है पाइपिंग, स्विच के लिए कैसे पॉइंट डालते हैं, उस पर वीडियो बन चुका है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो का प्ले लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। गल्फ से रिलेटेड आपको वीडियो इलेक्ट्रिकल का काम कैसे यहाँ होता है, इस पर वीडियो मिलते रहेगा, ये देख सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक लाइक ज़रूर करें। पाइप भी हमारा यहाँ कुछ फिट हो चुका है, आपको पूरा दिखाएंगे तब तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसमें तो पूरा एक दिन लगता है करने में। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं स्टेप दिखाएंगे, इससे आप स्टेप फॉलो करके आप सीख सकते हैं। ये 20 mm और 25 mm दो पाइप यहाँ यूज हो रहा है, इस लैब में दो ही पाइप यूज होगा। लाइट के लिए जो है 20 mm का है, सिंगल स्टील बिछने के बाद मैं पाइपिंग कर देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर एक और स्टील आएगा। ये देखिए थर्माकोल डाले हैं, थर्माकोल जो हम ये डाले हैं नीचे, जब वाल आएगा तो ये थर्माकोल निकाल के इसमें पाइप कनेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ से पाइप नीचे चला जाएगा वाल में। ये देखिए इसी तरीके से थर्माकोल में हॉल मारते हैं, हॉल मार के इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया थर्माकोल। इसके बाद इसमें पाइप भी एक ड्रॉप कर देंगे, जितना पाइप आएगा हमारा। जहाँ जहाँ पे पॉइंट है मैं ड्राइंग से पहले मार्किंग कर चुका हूँ, ड्राइंग से मार्किंग कैसे होता है वो वीडियो तो बन चुका है, आप ज़रूर देखें वो वीडियो, लास्ट में आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर भी पाइप ड्रॉप हो चुका है, आपको पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे ड्रॉप हो रहा है, 90 हाफ सेट कैसे बनता हो, उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। डीबी ड्रेसिंग कैसे होता है उस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके का वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले यूट्यूब पे चेक करता हूँ, इसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, आपको सही से समझाने का कोशिश किया हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। HD का पॉइंट जो होता है, स्मोक डिटेक्टर होता है, ये सर्किट नंबर सब में लिखते हैं लाइट का, ये इमरजेंसी का EM है, आधा अभी स्लैब में स्टील बिछ चुका है, आधा अभी बाकी है, आपको पूरा फुल दिखाएंगे, पूरा फुल कैसे इसमें पाइपिंग हो रहा क्या हो रहा आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा रेडी होने तक आपको पूरा इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। बस वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, फिर समझ में आपको नहीं आएगा। हाफ सेट मार मार के हम लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए हाफ सेट मार के इस तरह से बॉक्स में फिट करते हैं पाइप को, ये देखिए। जहाँ जहाँ पे हमारा पॉइंट आता है वहाँ वहाँ पे हम बॉक्स को पहले ही फिट कर देते हैं, इससे इजी होता है, सेंटरिंग होने के बाद ही हम बॉक्स फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से इधर हमारा बॉक्स पूरा रेडी है, इधर थर्माकोल कटिंग हो रहा है, जो साइज का चाहिए थर्माकोल कटिंग करके इसमें मास्किंग टेप मार के इसमें हॉल करके फिर इसको मैं डालता हूँ जहाँ पर इसको यूज करना है, जहाँ पर हमें ज़रूरत है। ये देख सकते हैं इस तरह से मास्किंग टेप मारना है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा, अगले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब। इसी तरीके से मास्किंग टेप मारना है, मास्किंग टेप मारने से ये होता है ना, फटता नहीं है थर्माकोल। और हॉल मारते हैं इस तरह से, हॉल पहले मार के अंदर डालते हैं, इससे इजी होता है पाइप ड्रॉप करने में। थर्माकोल डालने से ये होता है, जब नीचे सेंटरिंग खुलने के बाद थर्माकोल मैं निकाल देता हूँ, निकालने के बाद पाइप को कपलिंग लगा के इसको पाइप को फिट कर देते हैं।
ये देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, इससे वीडियो मिस नहीं होगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। ये देखिए, इस तरह से थर्माकोल डाले हैं, पूरा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे थर्माकोल डाले हैं। इस तरह से स्टील के पीछे साइड हम थर्माकोल डाल देते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम डाले हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इलेक्ट्रिकल पोस्ट वहाँ पे भी मैं डालते रहता हूँ। और कोई बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो में अगर समझ में ना आए तो, वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं आप। देख सकते हैं ये स्लैब रेडी हो चुका है, ये यहाँ तक पूरा हो चुका है इसका काम, आप देख रहे होंगे। अगर आप गल्फ आना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए तो आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी ऑफिस से आप आ सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट ना करें, सिर्फ मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। गल्फ आने के लिए आप किसी भी ऑफिस से आ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से आना चाहते हैं। ये देखिए, हमारा यहाँ पे कैमरा का पॉइंट है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पाइप आ रहा है, 11 या 12 पॉइंट होगा यहाँ पे। सारा यहाँ पे ये डीबी एक बन जाता है, ये सारा पाइप एक जगह आया है, कैमरा का हमारा 11 पॉइंट है। ओके, वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे अगला स्लैब, उसमें थोड़ा इससे थोड़ा चेंज है वो, उसमें बीच में थर्माकोल डाले हैं, अभी आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है स्लैब। चलिए अब दूसरा स्लैब पे, ये देख सकते हैं हर जगह इसी तरीके से 90 ड्रॉप करते हैं। ये देखिए, ये पूरा तरीके से रेडी हो गया है स्लैब। ये देखिए दूसरा स्लैब है, ये दूसरा स्लैब में चेंजिंग ये है, थर्माकोल डाले हैं यहाँ पे। थर्माकोल इसलिए डाले हैं
कि इसकी जहाँ जहाँ पे थर्माकोल वाल आएगा, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है वाल का, देख सकते हैं वाइट कलर का मार्किंग है। इसके नीचे वाल आएगा, इसके लिए थर्माकोल डाला है। इधर डीबी का पॉइंट है हमारा, इसके नीचे भी वाल आएगा। वाल इसलिए, वाल थर्माकोल इसलिए डालते हैं कि वाल जो नीचे से जब वाल जुड़ जाएगा तो हम पाइप उसमें वाल कटिंग करके ये पाइप को नीचे ड्रॉप करेंगे, इसके लिए थर्माकोल डालते हैं। बाद में थर्माकोल नीचे से निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा डीबी है, ये 90 मार के 90 में किक मार के लगाएं थर्माकोल में। ये देखिए इस तरह से लगता है, ये देखिए इस तरह से 90 मार के लगाते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा पॉइंट है वहाँ पे थर्माकोल डाले हैं। सिर्फ थर्माकोल इसीलिए डाले हैं कि उसके नीचे वाल आएगा, इसके लिए। बाकी पॉइंट लाइट के लिए तो हम बॉक्स यूज करते हैं, जंक्शन बॉक्स। बाकी डीबी का पॉइंट जो होता है, बाकी स्विच का जो पॉइंट होता है, किसी वाल में स्विच का पॉइंट आता है तो उसके लिए हम थर्माकोल लगाते हैं। थर्माकोल लगा के ही ड्रॉप करते हैं। थर्माकोल में इसलिए पाइप ड्रॉप करते हैं कि जहाँ पे स्विच का पॉइंट है नीचे वाल कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद उसमें पाइप डालेंगे। पाइप डाल के फिर थर्माकोल साफ़ करके उसमें कपलिंग लगा के फिर हम पाइप को कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए इस तरह से हम थर्माकोल डाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे।